अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, शार्प इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। सालाना राउंड अप 2021 रचाकुंडा सीपी महेश भगवत आईपीएस ने आज रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। 2020 के मुकाबले में जराइम में 9% इजाफा हुआ है। सजा सुनाए जाने की शरह बढ़कर 55% हो गई। गुज़िश्ता साल 51% 2020 के मुकाबले 2021 में। साइबर क्राइम में 123% इजाफा। घरेलू तशद्दुद के मामलात में इजाफा। रचाकुंडा 8836 कंपाउंडेबल निपटाने में तेलंगाना पहले नंबर पर रहा। चार कौमी लोक अदालतों में केस साल 2021 में 5779.791 किलो गांजा जब्त किया गया। 123 बच्चों की शादियों की रोकथाम शी टीम और रचाकुंडा के जरिए जिस्मानी जराइम में इजाफा हुआ है। पेश है शार्प इंडियंस न्यूज से ये खसूसी रिपोर्ट। मजीद ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रचाकुंडा के लिए काफी अच्छा रहा, खासकर लोगों को सेवा करने का एक अच्छा मौका हमें मिला। एक तो कोरोना पीरियड था और दूसरा जो था यहाँ पे फ्लड्स आए थे, बाढ़ आया था, तो दोनों पीरियड में काफ़ी अच्छा काम हमारे टीम ने किया है। इस बार जो है हमारा क्राइम टोटल 9% से क्राइम बढ़ा है और खासकर साइबर क्राइम जो है इस बार वो तकरीबन 123% बढ़ा है। उसका जो कारण है स्पेशली, इससे पहले साइबर क्राइम में छोटे छोटे अमाउंट के लिए केसेस नहीं बनते थे, खाली पिटीशन इंक्वायरी होती थी और लोगों को पैसे देने के लिए कोशिश की जाती थी। लेकिन अभी इवन 10 रुपया भी किसी का गया तो भी अभी FIR पक्का अभी इश्यू हो रहा है। और हमारा जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है और जो हेल्पलाइन है 155260, इससे भी हमें बहुत सारे कंप्लेंट्स अभी आ रहे हैं। वो पूरे कंप्लेंट्स अभी हम हर एक लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के साथ हम रजिस्टर करके पक्का इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमारे टीम्स झारखंड हो, वेस्ट बंगाल हो, राजस्थान, दिल्ली, पुणे, मुंबई में जाके एक्यूज को पकड़ के ला रहे, तो काफ़ी सारा पैसा भी हम लोगों को वापस करने में, जिनका जो खासकर फाइनेंशियल जो साइबर क्राइम ज़्यादा हो रहा है वो पैसा वापस करने में हम लोग कामयाब है। इस बार जो हमारी जो बेसिकली सक्सेस जो है तो कन्विक्शन केसेस जो हम पुलिस स्टेशन में FIR बनाते हैं उसमें कितने केसेस आपके कन्विक्ट हुए वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। ये कमिश्नरेट जब स्टार्ट हुआ यही कन्विक्शन जो